मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में अक्सर ऑटो रिक्शा चालक हो या फिर कोई अन्य वाहन चालक हो, उसे रॉन्ग साइड से वाहन चलाते हुए अक्सर देखा जाता है और जिसकी वजह से कई बार हादसे होने की भी खबर सामने आते हैं। मुंब्रा के राजीव गांधी मार्केट के पास एक ऑटो चालक ने दो महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें एक 45 वर्षीय रेहना खान नामक महिला घायल हो गई तो वहीं शिखा अतीक शाहिद 17 वर्षीय लड़की का पैर की हड्डी टूट गई है। ये लोग मुंब्रा के कौशा के रहने वाले हैं और घटना आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास हुई है। शिखा अतीक शाहिद को तत्काल बिलाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके भर्ती किया गया है और उसका इलाज चल रहा है। शिखा ने बताया कि सुबह वो एग्ज़ाम देने सेंट मैरी कॉलेज गई थी, जिसके बाद अपने एक करीबी महिला रेहना खान के साथ किसी काम से राजीव गांधी मार्केट के पास गई थी। वहीं एक ऑटो वाले ने इतनी तेज़ रफ्तार से ऑटो घुमाया कि उसकी चपेट में रेहना और शिखा ये दोनों आ गई। ऑटो का पीछे का पहिया शिखा के पैर पर चढ़ गया और उसके पैर के पंजे के पास की हड्डी टूट गई। बताया जा रहा है कि हड्डी बाहर से दिखाई दे रही थी। वहीं रेहना ऑटो के साथ काफ़ी दूर तक ज़मीन पर घिसटते हुए चली गई और उन्हें भी चोटें लगी हैं हाथ और पैर में। रेहना ने बताया कि ऑटो रिक्शा वाला घटना के बाद से ही फरार हो गया और वो रॉन्ग साइड से ऑटो चला रहा था। अक्सर देखा जाता है कि ऑटो वाले हो या फिर कोई अन्य वाहन चलाने वाला हो, ज़्यादातर रॉन्ग साइड से ही चलाते हुए मुंब्रा शहर में लोग नज़र आते हैं और इसकी वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होने की भी खबरें सामने आती हैं और जिसकी वजह सबसे बड़ी ट्रैफिक विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। रॉन्ग साइड चलाने वालों पर ट्रैफिक विभाग कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा लोगों का आरोप है और रॉन्ग साइड चलने की वजह से ही आज एक लड़की का पैर की हड्डी टूट गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।